नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज़ लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। इस समय हम खड़े हैं वसई के अंबाड़ी रोड पर। यहां आप देख सकते हैं हमारे पीछे कुछ लोग हैं, पुरुष हैं, महिला हैं। ये सभी संविधान बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले यहाँ जमा हुए हैं। और फिलहाल जो विश्व पटल पर हालात है, फिलिस्तीन के हालात जो है, इसराइल और फिलिस्तीन हमास का जो युद्ध शुरू है, उसको लेकर ये लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। मूक प्रदर्शन है ये, और उनकी मांग है कि जो युद्ध के हालात है वो बंद हो, और जो निर्दोष लोगों की हत्याएं की जा रही, निर्दोष लोग उसमें मारे जा रहे हैं, उनके ऊपर वो अत्याचार खत्म हो। क्या कुछ इन लोगों का कहना है और जानना चाहेंगे इन्हीं से। मैडम, मेरा नाम प्रीति शेखर। मैडम, आज जो आप ये यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या है इसकी रूपरेखा और क्यों ये किया जा रहा है? आज ये जो निदर्शन है यहाँ पे संविधान बचाओ अभियान वसई की तरफ से हो रहा है, और पैलेस्टीन में इसराइल, अमेरिका और बाकी जो आतंकवादी ताकतों के साथ जो हमला बरसा है, ये अक्टूबर में जब से हमास ने अपने हमास का अटैक हुआ बोलकर जो हमला वहाँ पे बरस रहा है, इस हमले को रोकना चाहिए। और ये पूरे मसले को यूएन असेंबली ने, यूएन ने जो निर्णय, इसके पहले जो पैक्ट उनके बीच में हुआ था, उसके तहत जो है इसको सॉल्व करना चाहिए, ये हमारा मांग है। पैलेस्टीन अपनी ज़मीन की लड़ाई लड़ रही है, अपनी ज़मीन को मुक्त करने की लड़ाई लड़ रही है, और पिछले 1948 से लेकर आज तक जो है ये लड़ाई चलती आई है। क्योंकि हमला इसराइल की तरफ से, खूब मोटी हमला जो है वो पैलेस्टीन के ऊपर हो रहा है, वो आज नहीं 1948 से चालू है, जब से इसराइल देश वहाँ पे बनने का मिट्टी दी गई, उस समय से जो है ये हमला वहाँ पे हो रही है। और ये हमको दिखाई दे रहा है कि वहाँ पे हाल ही में जो दिनों में जो है बच्चों के ऊपर खूब मोटी हमला जो है वहाँ पे होते आए हैं। ये साल 2023 के अंदर जब ये सब हमला की बड़ा दौर शुरू हो गया, उसके पहले सितंबर महीने तक की अगर आंकड़ा लिया जाएगा, कम से कम 400 बच्चे वहाँ पे मारे गए थे, और उतना ही आम जनता भी मारे गए थे। इसका मतलब ये है कि उनके ऊपर बेधड़क दिन ब दिन हमला है, बरसाया जा रहा है इसराइल और अन्य साम्राज्यवादी ताकतों के तरफ से। इसको हम विरोध कर रहा है। साथ ही साथ हमारा देश, जब 1990 की दशक तक तो हमको मालूम है कि हमारे देश जो है फिलिस्तीन के साथ खड़ा रहा है, फिलिस्तीन सोलिडारिटी फाउंडेशन के हिस्सा रहा करता था, मगर महात्मा गांधी जो हमारा देश के फादर ऑफ नेशन, पिता मानते हैं, राष्ट्रपिता मानते हैं, उनकी मत ये क्लियर था कि ज्यूस जितना भी आप सहन किया है, इसके साथ हमारा सिंपथीज तो है ही, मगर पैलेस्टीन जो है वो अरब जनता की है, उसके ऊपर कोई हमला दूसरा होना ये बहुत गलत बात है, वो ज़मीन उनको छोड़ना चाहिए। ये अभी जो सरकार ने जो निर्णय लिया कल यूएन असेंबली के अंदर, जब एक रेसोल्यूशन आया तभी बाहर रहने का निर्णय जो लिया, ये गलत है, ऐसा हमारा मत है कि वो जो है बिल्कुल भी हम फिलिस्तीन के साथ में खड़ा रहना चाहिए था, जैसा हमारा पुराना। मैडम, लेकिन जहां बात की जाए, अगर फिलिस्तीन और इसराइल का अंदरूनी मामला है, तो इसमें हम उनके साथ खड़े रहे नहीं खड़े रहे, उससे क्या कोई सा बड़ा फर्क पड़ने वाला है? हर एक व्यक्ति जो है इस दुनिया में, इस देश में, इस इलाके में, मेरे बाजू वाला घर में जो एक अन्याय हुआ है उनके ऊपर, अगर वो उनके घर के अंदरूनी मामला है बोल के मैं चुप रहेंगे, तो फिर ये देश, ये जनता, ये समाज जो है, इसका कोई मतलब नहीं है। जो जनवाद की बात हम करते हैं, इसमें कोई मतलब नहीं है। ये दुनिया में रहने वाले सभी लोगों को पीसफुली रहने का अधिकार है। आतंकवादी ताकत के खिलाफ की लड़ाई, हम ब्रिटिशों के खिलाफ भी लड़े हैं, उस समय पर दुनिया के कई सारे ताकत हमारे साथ भी खड़ा रहा है। तब हम ये कहते थे क्या कि हमारे साथ कोई नहीं खड़ा रहना है, ये हमारे और ब्रिटेन के अंदरूनी मामला है? नहीं है। इस दुनिया के अंदर साम्राज्यवादी ताकतें बहुत बड़ा हमला बहुत सारे देशों के ऊपर किया है। पैलेस्टीन भी ब्रिटिश के अंदर थे, उसकी भी लड़ाई लड़ चुकी है पैलेस्टीन ने। तो ये जो कहना है कि उनकी बात है, हम क्यों बात में ये टांग डाल रहा है, तो आप जाके उसमें से बाहर क्यों खड़ा रहा? आपके इस आंदोलन का जब पत्र पुलिस स्टेशन में गया, और कई दिनों से इसको लेकर आप योजना बना रहे थे, इसी बीच में यहाँ के
लोकल लोगों ने ये मांग की कि देश के प्रधानमंत्री है वो इजराइल के साथ खड़े हैं और इस तरह से संविधान बचाओ समिति फिलिस्तीन का समर्थन करे तो कहीं ना कहीं देश का वो इस समय एक माने में विरोध कर रहे हैं, तो इसके लिए उनको ऐसी परमिशन नहीं मिलनी चाहिए। इसके बाद क्या कहना चाहेंगे? ये एक डेमोक्रेटिक देश है, इस देश के सरकार जो भी निर्णय लेता है वो सही है या गलत है ये बोलकर उसके खिलाफ लड़ने की, उसके खिलाफ अपना मत व्यक्त करने की पूरा अधिकार इस देश की संविधान हमको दे रहा है, उसी का हम परवाह करते हैं। जो क्या नाम है सर? मेरा नाम शेखर। शेखर सर, आज ये ऑपरेशन है, इसके पीछे की रूपरेखा रखा क्या है और आपका क्या कहना है? हमारा ये आने का मतलब है, इसराइल ने फलस्तीन जनता के ऊपर इतना अत्याचार कर रहे हैं, अभी फलस्तीन लड़ रहे हैं उसका हक के लिए, उसका जगह का बचाने के लिए, लेकिन इसराइल वो नहीं कर रहे, उसको बॉम्ब डाल के उसको मार डाल रहे हैं। कितना बॉम्बर है? एक दो नहीं है। अक्टूबर 7 को चालू किया और वो डालते किधर? हॉस्पिटल में और ट्रांसिस्ट कैंप में रह रहा है उधर डाल रहे हैं। अभी तुमको लड़ने का हमास से बोल के तुम पूरा फलस्तीन को सत्यानाश कर रहे हैं, तुमको वो पूरा जगह है ना कब्जा करने के लिए पूरा जनता को, उधर का जनता को बॉम्ब डाल के मार डाल रहे हैं। उसके लिए हम एक इंसान है, हमारा इंसानियत उठ जाए, इसलिए हम इधर प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपके निर्देशन में किस पार्टी का आपको सपोर्ट है और किसके बैनर तले आप ये करते हैं? हम एक कम्युनिस्ट पार्टी है, हम एक इंसानियत है। कम्युनिस्टम बोले तो क्या है, इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं, इंसानियत होना चाहिए, वो इंसानियत से हम आके लड़ रहे इधर। चाचा आपका नाम क्या है? मेरा नाम नियाज अहमद शेख है। आज आप यहाँ इस आप इस विरोध प्रदर्शन में खड़े क्या कहना चाहेंगे फिलिस्तीन के और जो हालात है उस पर क्या कहना चाहेंगे? ये पूरे वर्ल्ड की पॉलिटिक्स है, सबसे ज़्यादा एडवांस कंट्री है इसराइल, वो अपना हथियार बेचने के लिए इनके ऊपर यूज़ करके सारी दुनिया को बताता है कि बैटल फील्ड में मेरे अच्छा वेपन्स जो है वो कोई नहीं बना सकता। उसके लिए इसराइल के लिए गाजा को कंट्रोल करना एक घंटे की भी बात नहीं है, लेकिन वो उसको कभी कंट्रोल नहीं करेगा। वो अपना वेपन्स कहाँ इस्तेमाल करेगा? वो गाजा में इस्तेमाल करता है और वहाँ के बच्चों को मार रहा है, औरतों को मार रहा है, बूढ़ों को मार रहा है, गटर का पानी पी रहे हैं और उनको खाना नहीं है, पानी नहीं है, लाइट नहीं है, लाइट वगैरह सब। चैनल को आर्थिक रूप से मजबूत करने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे गूगल पे बार कोड को स्कैन कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए ज्वाइन बटन पर क्लिक करते हुए चैनल का सब्सक्रिप्शन प्राप्त कीजिए। धन्यवाद। चैनल सेफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।